कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सिलेबस आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों ने जिन लोगों ने एडमिशन लिया है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वो लोग क्या पढ़ेंगे 8 सेमेस्टर के अंदर, कैसे अपने जीवन जिएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और जिनको ये सीट मिली है IIT NIT GFTI गवर्नमेंट कॉलेजेज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस, तो सबसे पहले शुक्रिया करिए गॉड का, अपने पेरेंट्स का और यूनिवर्सिटी वालों का। दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो कि तुम लोगों ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी वेलकम यार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, प्लेसमेंट होने वाला है, प्लेसमेंट होने वाला है, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी, पैसा आएगा, तो बढ़िया घर मकान गाड़ी, ठीक है, मर्सिडीज जेगवार रेंज रोवर जो भी होते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड, ठीक है, बॉयफ्रेंड, ओके। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, आज अपन बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। बहुत तो मतलब 10th का पढ़ा है, 12th पढ़ा है, 12th पढ़ के मजे किए हैं, अब देखना चाहते हो कि क्या सिलेबस आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन और कंप्यूटर महोदय जल्दी से सिलेबस पेश किया जाए। फर्स्ट सेमेस्टर का आ चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या पढ़ना है यार, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। ये जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे के सारे यूनिवर्सिटियों में सेम होते हैं, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि किसी के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो सेकेंड सेमेस्टर में हो और कोई अदर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो सारे सब्जेक्ट आज अपन डिस्कस कर लेते हैं कैसा कैसा क्या किसका रोल रहता है यार। तो चलिए देख लेते हैं सारा का सारा सीन, ओके। तो ये मैथमेटिक्स है एंड फिजिक्स है, नॉर्मल 12th बेसिस, 12th में जो होता है नॉर्मली वही होता है यार। ये थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, ठीक है, जिसको नॉर्मली अपन बोलते हैं EGD, ठीक है, EGD जिसको बोला जाता है यार, ये थोड़ा मतलब टफ नहीं होता और इजी भी नहीं होता, ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़ा ठीक लेवल का होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, मजे करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत गलत है, ठीक है, फेल हो जाओगे भाई, हमारे टीचर तो बोलते हैं कि फेल कर दूंगा पढ़ेगा नहीं तो, ठीक है। तो जस्ट देख सकते हो और कुछ नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में मजे करने के लिए होता है। सेकंड सेमेस्टर में चलते हैं, कंप्यूटर महोदय जल्दी से हमें सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस दिखाओ, ठीक है। तो चलिए यार चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर की ओर, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स सेकेंड है, केमिस्ट्री नॉर्मल 12th वाला सेम टू सेम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर तुम्हें सिखाया जाता है कि बेल्डिंग कैसे की जाती है, हमारी जो रूम की जो होती है क्या बोलते हैं ऐसे, ये फिटिंग वगैरह होती है, ये लाइटिंग वगैरह कैसे की जाती है, ऑटो कैड वगैरह जो सारे के सारे कैड या सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह जो भी होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आई थिंक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर तुमको कोई जॉब वगैरह भी ना देना तो वेल्डिंग वगैरह सीख लियो, ठीक, गैरेज में काम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक मैंने तो सीख ली नहीं सीखा, ठीक है, आप लोग भी सीख लीजिएगा, ओके, हमारा ऑनलाइन बीत गया था, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इसके लिए मतलब नॉर्मल होता है, ह्यूमन वैल्यूज वगैरह वो भी कुछ कुछ एडिड होता है, ओके। कंप्यूटर महोदय थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हमारे पास सामने पेश किया जाए, कंप्यूटर महोदय थर्ड सेमेस्टर का आ चुका है यार, मैथमेटिक्स थर्ड, अब थोड़ा मैथमेटिक्स हार्ड होता जा रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों के कंप्यूटर साइंस है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक आप प्रेफर मान सकते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, सी लैंग्वेज की नॉर्मल बुक, जैसे सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ओके। देन ये डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थोड़ा थोड़ा होता है टफ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, भाई मजा आने वाला है, लेवल का सब्जेक्ट है, ठीक है। और बिजनेस इंटेलेक्चुअल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो मतलब ऐसे ही है जीरो, ठीक है, ओके। तो जैसे यार अभी तक मतलब कुछ टफ वगैरह कुछ नहीं है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, ओके। मजे से पढ़ो यार, खूब मेहनत करो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इतने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दो कॉलेजों के, ओके, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा अगर अच्छे मार्क्स लेके आते हो। आई थिंक सभी कॉलेजों में 80% का क्राइटेरिया है, 80% लाते हो तो आपको डायरेक्टली स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो स्कॉलरशिप से मजे किया करो, घूमने जाया करो, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेवल का सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़ियो, ये बिल्कुल जीरो है, कोई मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और ये तो मतलब ऐसे ही होते हैं जैसे अपने पहले जो होता था ना उसके अंदर,
क्या बोलते हैं, जो अपन फिफ्थ सेवन सिक्स क्लास में पढ़ते थे तो अपना कंप्यूटर साइंस होता था, तो वो वाला सीन है। ऑपरेटिंग सिस्टम यार बहुत लेवल का सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वेरी वेरी गुड, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम फटने वाली है इसमें तुम्हारी, ठीक है। और जस्ट ओके ठीक है, और वेल एंड गुड है। आगे अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट वगैरह कैसे कैसे क्या करना है, कौन से इंटर्नशिप लेनी है, कहाँ से कैसे जॉब लगेगी। ओके एंड ये देख सकते हो ये सास, ठीक है, सास बहू का नाम सुना है, ठीक है, लड़की लोग ज्यादा देखती है सास बहू का जो सीरियल होता है, भाई यही होने वाला है इसमें, ठीक है, सास बहू के अंदर जो होता है ना वही वही का वही सीन होने वाला है, ध्यान से पढ़ियो। सिग्नल एंड सिस्टम्स, ठीक है स्टूडेंट, सास बहू है वैसे, ठीक है, एस सिग्नल एंड सिस्टम, एस ए सास, ओके समझ गए। और डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज, एंड ये भी थोड़ा सा लेवल का है, इसको देख लियो, ठीक है, क्या है ये ऑटोमेटा, ठीक है, इसेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एनर्जी सोर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है वैसे, ठीक है। अपन अब चलते हैं यार थर्ड सेकेंड ईयर में है, कंपाइलर डिजाइन इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क, ओके यार, अब मतलब वेरी पढ़ने वाला मौसम आ गया है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में लास्ट मोमेंट पे हो आप अभी, ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सॉरी थर्ड ईयर में, ओके थर्ड ईयर के अंदर हो, सिक्स सेमेस्टर चल रहा है, तो आपको प्रोजेक्ट वगैरह भी करना पड़ेगा यार। प्रोजेक्ट आप लोग जो ना परचेज ना करें अपने आप, जो भी अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर से ही सोच के चलो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ से प्रोजेक्ट बनाना है, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, कहाँ से इंटर्नशिप करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ओके तो ये सारा का सारा सीन अगर आप बना के चलोगे तभी एक बेस बन पाएगा, तभी जाके कुछ कर पाओगे, तभी जाके मार्क्स आएंगे, तभी जाके अच्छा जॉब लगेगा। हो सकता है तुम्हारी कॉलेजों के अंदर ऐसा कुछ ना हो, प्लेसमेंट ना हो सकता है तुम्हारा कॉलेज बहुत अच्छे लेवल पे हो, अपने सीनियर से बात करो, अपने जूनियर्स तो से तो जूनियर तो तुम हो ही, फिर सीनियर से बात करो वो क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे, ऑनलाइन देखो आजकल वैसे सब कुछ सारा ऑनलाइन है ही, ओके कंप्यूटर मोदे जस्ट ये देख सकते हो यार, सी प्रोग्रामिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो सारा का सारा है सी वाला ही सीन आ गया है, फर्स्ट प्रोजेक्ट भी आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने खुद डेवलप करें प्रोजेक्ट को, ओके एंड कंप्यूटर मोदे आगे चलते हैं सेवन सेमेस्टर की ओर, डाटा माइनिंग है, साइबर लॉ एंड इथिक्स है, ओके और नेचुरल टिप एंड डीप लर्निंग है, साइबर लॉ एंड इथिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा माइनिंग भी ठीक है, नेचुरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, ओके देन इसके बाद आपको सेकंड प्रोजेक्ट भी करना होता है सेवन सेमेस्टर के अंदर, ओके बहुत सारे बच्चे एट में भी कंप्लीट करते हैं लेकिन आपको सेवन्थ में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, ओके देन उसके बाद यार अपन चलते हैं कंप्यूटर महोदय आठवें सेमेस्टर में लेके चलो, मैं आ गया कंप्यूटर महोदय, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे यार तुम मतलब कुछ भी उखाड़ सकते हो फाड़ सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरेक्टिंग, और प्रोजेक्ट थर्ड भी आपको थर्ड सेमेस्टर आठवें सेमेस्टर के अंदर करना है, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं यार, फर्स्ट सेमेस्टर से आठवें सेमेस्टर तक 4 साल तुम्हारे पास होते हैं, 4 साल में आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, गेट की प्रिपरेशन करते हो कर नहीं करते हो, अपने किस दोस्तों के साथ रहते हो, कहाँ पे ट्रिप पे जाते हो, किसके साथ नहीं जाते हो, किसको गुलाब देते हो, ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है इस 4 सालों के लिए, लेकिन 4 साल बाद जब अगर तुम निकलते हो ना तो वो बाद में वो वाला सीन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अभी तुम कितना सुंदर दिख रहे हो इसे कोई मतलब नहीं है, अभी तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, अगर बहुत सारे लोग तुम्हें लाइक करते हैं लाइन मारते हैं, ठीक है, 20 साल बाद या फिर आज से 7 साल बाद तो तुम सुंदर दिखते हो ना वो कोई काम नहीं आने वाला, अगर तुम काले भी दिखते हो तो 7 साल बाद अगर तुम्हारे गले के अंदर टाई है, तुमने ब्लेजर लगा रखा है, तुम मेरे जैसी सोमिलुमो ब्रांड अमेजोन ब्रांड कुर्सी पर बैठे हो तो तुम्हारी वैल्यू है, ओके स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे क्रीम लगाने में ही स्किन क्राफ्ट लगाने में ही व्यस्त रहते हैं, हाँ सुंदर नहीं दिख रहा पढ़ाई नहीं कर रहा क्या करूँ, ठीक है, तो वो वाला सीन नहीं है, अभी अगर तुम सुंदर नहीं दिख रहे हो तो कोई मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मतलब उसको छोड़ो, 4 साल तक मतलब पढ़ाई कर रहे हो, आज से 5 साल बाद तुम्हारी क्या पोजीशन होगी, आज से 10 साल बाद क्या तुम्हारी पोजीशन होगी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो खूब मन लगा के पढ़ाई करें, ओके स्टूडेंट, इसी आशा और उम्मीद के साथ।